पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई के जन्म के 2 दिन बाद पिता बलकौर सिंह ने पंजाब सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। मंगलवार देर रात सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर बलकौर सिंह ने कहा कि प्रशासन बच्चे के लीगल डॉक्यूमेंट पेश करने को लेकर बार बार परेशान कर रहा है। मुख्यमंत्री मान उन्हें जेल भेजकर जांच करा सकते हैं। बलकौर सिंह ने कहा कि वह मुख्यमंत्री भगवंत मान से निवेदन करना चाहते कि वह उन पर रहम करे, उनका ट्रीटमेंट पूरा होने दिया जाए। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, कहीं भाग के नहीं जाने वाला। आप जहाँ भी बुलाओगे मैं पेश हो जाऊंगा। मैं सख्त शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ। आपकी एक आदत है, आप हर चीज से बाद में यू टर्न ले लेते हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार उन्हें ऐसी सलाह देते हैं कि जिस पर मुख्यमंत्री अपने स्टैंड पर खड़ा नहीं हो पाते हैं। बलकौर सिंह ने कहा कि यदि इस बार मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन पर हाथ डालना है तो अच्छी तरह से डाले, क्योंकि वह यू टर्न लेने वालों में से नहीं है। वह जान दे सकते हैं लेकिन यू टर्न या पीछे हटने वाले नहीं है। मूसेवाला ने भी 28 साल जिंदगी कानून के दायरे में रहकर गुजारी थी। वह पूर्व फौजी है और कानून की इज्जत करते हैं। उन्होंने अभी तक किसी भी तरह से कानून की अवहेलना नहीं की है। यदि कहीं भी वह कानून से बाहर गए तो सरकार उन्हें सलाखों में डाल दे। यदि सरकार को उन पर फिर भी यकीन नहीं है तो सरकार उनके खिलाफ पहले मामला दर्ज कर दे, उन्हें जेल में डाल दे, फिर मामले की जांच कर ले। वह अपने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट पूरा होने पर वह सभी लीगल डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर भगवंत मान की सरकार पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। कांग्रेस के विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने इस मामले पर आप सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बेशर्मी की भी हद है। जिस बच्चे के जन्म की खुशी में पूरा पंजाब और पूरी दुनिया भर के लोग खुशी जश्न मना रहे हैं, उनकी खुशी सरकार झेल नहीं पा रही है। एक नवजात बच्चे से उन्हें कौन सा डर सता रहा है जो बलकौर सिंह और उनके परिवार को इतना परेशान किया जा रहा है। पूर्व मंत्री दलजीत चीमा ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक और आपराधिक कृत्य है जिसने पंजाब की आप सरकार का घिनौना चेहरा उजागर कर दिया है। सरकार को मां और नवजात शिशु के लिए उचित इलाज सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय वे झूठे आरोपों के साथ सिद्धू मूसेवाला के दुखी माता पिता को परेशान करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई प्रदेश के नागरिकों की भलाई को पहल देने की सरकार की अक्षमता में विश्वास को कमजोर करती है। अब समय आ गया कि पंजाब के लोग उन्हें सबक सिखाना चाहेंगे। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि भगवत मान जी, आप शायद अकेले पंजाबी है जिसने अभी तक बलकौर सिंह को उनके नवजात बेटे के जन्म पर बधाई नहीं दी है। अब सरकार का प्रशासन उन्हें अपनी कानूनी बाधाओं से परेशान कर रहा है। नवजात से क्यों डर रहे हैं मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि सिद्धू परिवार को परेशान करना बंद करे और उन्हें एक बार खुश होने दे। भाजपा के प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला के पिता का बयान बेहद चौंकाने वाला है, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान का प्रशासन बच्चे की वैधता साबित करने के लिए उसे नवजात शिशु के दस्तावेज दिखाने के लिए मजबूर किए जा रहा है। मुख्यमंत्री मान साहब, आप कितना नीचे गिर सकते हैं? आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की माँ 58 साल की उम्र में माँ बनी है। तरण कौर ने IVF तकनीक का सहारा लिया है। मूसेवाला ने 2022 में मानसा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस दौरान उनकी माँ तरण कौर ने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर एफिडेविट भरा था। तब चरण कौर ने अपनी उम्र 56 साल बताई थी। इसके अनुसार अब उनकी उम्र तकरीबन 58 साल है और बलकौर सिंह की उम्र तकरीबन 60 साल है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।